नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह एक व्यक्ति से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दो और इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो, क्योंकि यह व्यक्ति आने वाले समय में आपका काल बनने वाला है। आपके सारे दुखों की वजह है केवल यही व्यक्ति। किसी व्यक्ति की छत्र छाया या आपके जीवन को दुखी और नरक से भी खराब बना रही है और आपके नसीब को तहस नहस कर रही है। आपके जीवन में जितनी भी तमाम परेशानियां है, फिर चाहे धन दौलत और परेशानी हो, घर में आए दिन झगड़े हो रहे हो, कोई बीमारी का संकट हो, या फिर दोस्तों संतान का, या फिर गरीबी कंगाली का, सभी चीजों की इकलौती वजह केवल यही व्यक्ति है जो आपका कॉल बना हुआ बैठा है, जो समय आने पर आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए हो जाइए सावधान। आज के इस वीडियो में इस व्यक्ति की पहचान आपको करवाने वाले हैं। वे सभी जानकारियां देंगे कि आखिर कौन है, क्या चाहता है, किस तरह से सावधान रहे। सभी जानकारियां हैं, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही बड़े ग्रह गोचर के निर्माण से बनी हुई है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देवाधिदेव महादेव आपको हर एक बला से बचाएंगे। दोस्तों, यह एक व्यक्ति और कोई और नहीं है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हुए हो। यह व्यक्ति आपके परिवार का ही कोई हिस्सा हो सकता है, आपके रिश्तेदार में से कोई हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी में कोई हो सकता है, आपके आस पड़ोस में कोई हो सकता है। कोई ना कोई आपके आसपास जरूर होगा जो आने वाले इस समय में मैं आपकी सफलता पर काली नजर लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो आप हर किसी पर आसानी से विश्वास, आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपका दिल जीत लेता है तो फिर आप उस पर आंख बंद कर भरोसा करने लग जाते हैं, और आपके दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठाते हैं। यह लोग सबसे पहले आपका विश्वास जीते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, और समय आने पर जब यह आपका दिल जीत लेते हैं तो समय आने पर आपको सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं। आपके दुखों की वजह भी दोस्तों यही बनते हैं। अक्सर आपके जीवन में परेशानियां बहुत होती रहती है, पर आप समझ नहीं पाते कि आखिर यह परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। लेकिन होता क्या है, इन सभी परेशानियों के पीछे केवल यही व्यक्ति छुपा होता है जिस पर आप केवल आंख मूंद कर भरोसा कर रहे होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, रिश्तेदारों के भी और रिश्तेदार होते हैं, अपनों के भी और अपने होते हैं, दोस्तों के भी और दोस्त होते हैं। इसलिए अपने गुप्त राज बताने से पहले 100 बार सोच ले कि आखिर आप किस व्यक्ति को बता रहे हैं। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करके उस व्यक्ति को अपने राज बता रहे हैं, अपने भविष्य की दोस्तों रणनीतियां बता रहे हैं, वही व्यक्ति आपके खिलाफ यही चीज बिगाड़ सकता है। इसलिए हर किसी को अपने राज बताना बंद कर दिया। भले ही आप दोस्तों हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, परंतु आप भी जानते हैं कि जब आप भरोसा कर लेते हैं तो आप तो कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा आपको दोस्तों। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो धर्म में नहीं मानता हो, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता हो, जो भगवान को गलत बोल देता हो, ऐसे लोगों से दूर रहना।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का ही नहीं होता, जो भगवान को ही नहीं मानता है, वह दोस्तों किसी भी हद गिर सकता है ऐसे लोगों के ऊपर। भगवान भी दोस्तों क्रोधित रहते हैं ऐसे लोगों की दोस्तों छवि ही बहुत गलत हो जाती है। अगर यह जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए उस व्यक्ति को भी दोस्तों को मिट्टी में मिला देते हैं। अपना काला साया जिस इंसान पर डाल देते हैं उसके जीवन में भी परेशानियां शुरू हो जाती है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो व्यक्ति भगवान को मानता है केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ संबंध रखें, क्योंकि जो भगवान का नहीं हो पाया या वह किसी और का कभी नहीं हो सकता था, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने अपनों का ही ना, आपके के आसपास भी ऐसे होंगे जो उसके अपने के यानी उसके घर परिवार को उसके माता पिता के ही सगे ना हुए, उसके पति उसकी पत्नी के भी सगे नहीं हुए, उनको तक धोखा दे दिया हो या उनसे तक लड़ाई झगड़े कर रहा होगा, ऐसे व्यक्तियों से ना ही दोस्ती रखे हैं ना ही उनसे रिश्ता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनों तक के नहीं हुए, वह अपने अपने तन को दोस्तों मिट्टी में मिला सकते हैं, तो फिर वह आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से व्यवहार रहता हूँ, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से बोलता हुआ, वह केवल उसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखेंगे। जो व्यक्ति दो समाज से दूर हो, जो व्यक्ति अपने घर वालों से भी दूर हो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बुराई करता हो, अपनी पत्नी की बुराई करता हुआ, वह अपनी पत्नी की बुराई करता हो, ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़ने और उससे दूर रहे, लाख चाहे वह आपके सामने ऐसा दर्शा आएंगे कि उसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, उसके घर वालों ने भी उसको नहीं अपनाया गया, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि जो इंसान हमारे सामने ने अपने माता पिता की गलतियां गिना रहा हूं। एक बात ध्यान रखना कि माता पिता और उसका परिवार जब उसके खिलाफ हो तो वह कितना गलत हो सकता है, आप भी अवश्य समझ सकते हैं। जो इंसान आए दिन गुस्सा करता है, दोस्तों जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, गुस्से में कुछ भी कर लेता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, वह व्यक्ति खुद के लिए भी खतरा है और उसके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। वह अपने क्रोध में मैं खुद को भी मिटा सकता है, अपने आसपास के लोगों को भी मिटा रहा है, उनको भी मुसीबत में डाल सकता है। तो जो व्यक्ति क्रोधित बहुत रहता हो, जिस व्यक्ति का क्रोध बहुत ज्यादा हो, उस व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि भले ही वह वास्तविकता में बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन भारी चंद मिनट का उसका क्रोध और दोस्तों को, हर किसी को भी, उसके आसपास के अपने दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ऐसे लोग दूर रहने में ही आपकी भलाई है। अब दोस्तों तो आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत चापलूसी करता हो अपना काम निकलवाने के लिए, लिए कभी किसके साथ आ तो कभी उसके साथ रहता हूँ, कभी कभी हमसे दोस्ती तो कभी उससे दोस्ती थी, आज से काम निकल गया, क्या फिर अगले के पास जाएगा, उससे दोस्ती यारी करेगा, ऐसे लोगों से बचकर रहे, क्योंकि यही लोग हैं जो अपना मतलब निकलने तक 200 साल रहते हैं और मतलब निकलने के बाद दोस्तों सुमंत्र हो जाते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। यह लोग जाकर आते हैं, सबसे पहले आपका दिल जीते हैं, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं और फिर आप दोस्ती से अपना समझते हैं और आप इसके हर काम में साथ देते हैं, और जब उसका मतलब पूरा हो जाता है और जब उसको लग जाता है कि यह किसी किसी काम का नहीं है, मेरे
तब वह तुमको त्याग कर किसी और बकरे की तलाश में चला जाता है, आज इसका का तो कर। उसका जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी भाई 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 ज्यादा दिन तक, जो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आप दोस्ती भी ज्यादा दिनों तक ना निभाए भाई, आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो आज किसी का दोस्त है, कल किसी और का दोस्त होगा होगा, परसों किसी और का दोस्त होगा। ऐसे लोगों से बचकर रहे, क्योंकि यह समय आने पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब जहाँ तक मैं आपके अपने वहाँ तब तक जब आपका मतलब नहीं पूरा होगा होगा, यानी कि जब आप उनके काम में नहीं आ रहे होंगे, तब यह आपको किसी भी हद तक नहीं गिरा सकते हैं। इसलिए लिए ऐसे लोगों से बचकर रहे। दोस्तों, तो हमने जितनी भी चीजें बताई है आई है, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में भी होंगे ही होंगे। आशा है इन व्यक्तियों से आज ही आप रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर आज ही आप उनसे दूर हो जाएंगे, अन्यथा यह व्यक्ति काल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब समय रहते थोड़ा था और सावधान हो जाइए, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बना लेना। दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहना रहना, क्योंकि अंत में हम आपको यह उपाय अवश्य बताएंगे। आएंगे जिनके जीवन में अगर धन की समस्या है तो वह वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने ने वाला है। दोस्तों आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे जो है आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। सुबह सुबह ही दोस्तों आपको ऐसा समाचार जानने को मिल सकता है, जिससे दोस्तों आपके जीवन में चल रहे दुख दर्द भूल कर केवल उस खुशी में ही आप शामिल हो जाएंगे और अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। वही दोस्तों को कामकाज के मोर्चे पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, नहीं है आपके दोस्तों जितने भी काम हैं बहुत ही अच्छे से, और दोस्तों को बहुत ही दोस्त कुशल पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर उत्साह से भरपूर रूप से रहेगा, साथ ही ऊर्जा के साथ आप अपने सारे कामों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि इस समय में आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा रहेगी। पिछले समय दोस्तों जो आलस्य था आपके अंदर थोड़ा ज्यादा रहता था, जिसके कारण आप अपने कामों को बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाते थे, परंतु अब सितारों की बदलती चाल आपके अंदर ऊर्जा उमंग लेकर है। पैसों की स्थिति अगर देखें तो दोस्तों तो 24 घंटों में बहुत अच्छे पैसों की स्थिति है। कोई भी बंदा खर्चा अगर करें तो दोस्तों को ध्यान से करें और उससे बचने की कोशिश करें। भले ही आप सोच रहे हो कोई बॉडीगार्ड की थी या फिर कोई बड़ा वाहन लेने का, तो दोस्तों ध्यान रखना कि अभी रुक जाइए। आइए इस समय में सिचुएशन या परिस्थिति कहे है तो इतनी अच्छी नहीं है कोई भी बड़ा खर्चा करने के लिए। वही दोस्तों ध्यान से सुने हैं कि जीवन साथी के साथ आप अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है, या फिर दोस्त आपके रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर कर झगड़ा झंझट हुए हैं, तो इस समय को थोड़ा सावधान हो जाना है। मैं आपके दोस्तों को किसी गलती की वजह से आपकी जो रिश्ते हैं और बिगड़ सकते हैं, अपने अंदर घमंड अहंकार ना आने देंगे। अगर रिश्ते जोड़ने के लिए आपको आगे रहकर झुकना पड़े तो झुक जाए, अपनी गलती के लिए माफी मांगना पड़े तो माफी जरूर मांग लेंगे। इस रिश्ता टूटने से बचा बताएगा है सामने वाले की गलती आप अक्सर देखते हो, परंतु खुद की भी एक बार गलतियां जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोगों की गलतियां देखते हैं परंतु हम क्या करते हैं, कितना ना हम सही हैं या हम नहीं जान पाते। पाते छोटी छोटी बातों को डोट लेकर झगड़ा झंझट नहीं करना है। पैसों के मामलों में दोस्त बहुत ही बढ़िया दिल है,
अनावश्यक चीजों पर आप अपना धन खर्च करेंगे तो चीजें उल्टी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। एगा वही आपको दफ्तर में किसी पहला पूर्ण मीटिंग का हिस्सा बना दे। हुए हो आप कोई जरूरी चीज दोस्तों, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी रहेगा। वही व्यापार में भी सेम चीज रहेगी, आपको हर काम अपने खुद से करना है, ना है किसी और कोड़ो दोस्त नहीं कहना है, ना खुद से सारे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ हर काम को अंजाम देंगे तो आपका हर एक काम बनने वाला है। ना दोस्तों दिन थोड़ा सा व्यस्त जरूर रहेगा, चाहे वह घर का कोई काम आ जाए या फिर व्यापार या नौकरी का काम था। दोस्तों आप थोड़े से व्यस्त रहोगे, जिसके चलते दोस्तों को आपको फुर्सत भी नहीं मिल पाएगी, खुद के लिए भी आप समय नहीं निकाल पाओगे। आओगे वही दोस्तों, तो आपको कोई भी चीज दोस्तों कोड़ो दबाव में नहीं करना है। अक्सर होता है कि हम कोई चीज दबाव में करते हैं, या फिर दोस्तों कोई हमसे करवा रहा है। ऐसा अगर आप करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। आओगे आपको जल्दीबाजी से और हड़बड़ाहट करने से बचने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े जितने भी जातक हैं, उनको हाथ बहुत अच्छा लग सकता है, आपके कारोबार को एक नई दिशा मिलने वाली है। दोस्तों जो लोग उपाय के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए उपाय बताते हैं तेरे दोस्तों को वाकई वीडियो में आगे जानकारी आपके राशिफल की देंगे। दोस्तों को चारों दिशाओं से आएगा धन। सूर्यास्त के बाद यानी हम जैसे ही सूर्य अस्त होता है कहे, उसके बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। मैं सात बत्ती वाला दीपक जलाना है, ना है पूजा स्थल में जाएं और ईशान कोण में रख देना है। ईशान कोण में उनमें दोस्तों तो आपको सात बत्ती वाला दीपक रख देना है, ना दीपक जलाने के बाद भी मैं चुटकी भर के शर्मिला दिला देना। पूजा स्थल पर यंत्र की स्थापना करें गाय के दूध से अभिषेक दूध से ही करें दोस्तों। अभिषेक वाले दूध से पूरे घर में चीते मार दें, ऐसा लगातार 5 शुक्रवार तक करें, जिससे माता लक्ष्मी की माता महालक्ष्मी की कृपा आपको चारों दिशाओं से धन आवक में बढ़ने की दोस्तों उपलब्धियां देती है, और माता रानी की कृपा भी बनी रहती है ही है। तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर ना चाहिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके हर तरफ से धन आएगा, का व्यापार से हो, इधर उधर से हो, वो नौकरी से हो, हर जगह से धन आएगा। तो जरूर करना दोस्तों इस उपाय कोड़ो ढाई को। एक दोस्तों आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर ईगो हो, इसके कारण आपके जो संबंध है वह भी देख सकते हैं। अपने जीवन साथी से कहे या फिर आपके दोस्त से कहे किसी ना किसी से, दोस्तों आज आपकी लाइट भी रहा है या फिर आपके जो संबंध है बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने ईगो पर अपने कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ आप उनके माल की क्वालिटी पर आपको नजर रखनी है, लापरवाही के कारण आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों घर हो या परिवार, घर हो या परिवार दोस्तों, आपको जो वातावरण है बहुत अच्छा बना कर रखना है। हर एक जने से आपको खुशी खुशी बात करनी है, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में दोस्तों को थोड़ा सा कद्दू वाला माहौल रखते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं बोलते हैं, बच्चों से भी दोस्तों को आंखें दिखाकर बातें करते हैं, बच्चों के अंदर भी डर होता है। राहे ऐसा आपको नहीं करना है, ना आपको सबसे हंसी खुशी से मिलना है, हंसी खुशी वाला माहौल रखना है ना, क्योंकि माता लक्ष्मी भी उसी घर में अपनी कृपा भी कहती है कि जिस घर में हंसी खुशी वाला माहौल
रहता है, बच्चे बच्चे भी खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही वहाँ की बहू हो बेटी हो वो अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। बड़े बुजुर्ग भी आनंद में रहते हैं। इसलिए लिए आपको अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखना है। यह मैटर नहीं करता है कि आपके घर में बहुत धन हो बहुत दौलत को, मैटर यह नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपके घर में आप कैसे रहते हो, भले थोड़ा सा कम आ रहे हो फिर भी खुश रह रहे हो तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो काम की टेंशन होती है तो घर में आते हैं तो लोग अपने परिवार के ऊपर चिल्ला चोट करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, पत्नी को ऊपर निकाल देते हैं और फिर दोस्तों को बहुत ही ऐसा शोक जैसा माहौल कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि ऐसा करने से जो परिस्थितियां हैं सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ खड़ी है। देवी देवताओं का जो दोस्त आपके घर में प्रवेश है वह भी नहीं रहता था, देवी देवता भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए हंसी खुशी वाला माहौल आपको अपने घर में रखना है ना। अगर कोई दूसरा इंसान अगर आपके घर में थोड़ी सी टेंशन पैदा कर रहा है तो आप उसको भी दोस्तों समझाए हैं ताकि आपके घर में हमेशा सा अच्छा सा दोस्तों देवी देवता की कृपा रहे। पूरी जिंदगी भर भर दोस्तों, जिस भी जातक की शादी नहीं हो रही है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, टीटीएच रहा है तो किसी सुनसान जगह में मिट्टी में पांच पंडित भी जा दोस्तों ध्यान से सुनना, फूल का नाम नाम मिट्टी में पांच अपराजिता के फूल को दबा देना है। अपराजिता का फूल दोस्त दोस्तों आप इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस स्कूल को मिट्टी में दबा दबा दे, जमीन खोदते समय में लकड़ी की दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है। इस टोटके से शादी या वैवाहिक जीवन में जो भी जो परेशानियां होती है उससे निजात मिल जाता है। अगले 7 दिन दोस्तों कुछ निश्चित से होने वाले हैं। दोस्तों आपको थोड़े से ऐसे लोगों से मिलना होगा जो बहुत ही असंवेदनशील होंगे, आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यह समय दोस्तों सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप कोई बड़ा फैसला इस समय में ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जिन अवांछित क्षेत्रों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जाएगा आएगा, यानी कि जो चीज आप करना ही नहीं चाहते थे उनको भी आपको किसी दबाव के चलते करना पड़ेगा। कुछ कठोर निर्णय भी आपको लेने पड़ेंगे इन 7 दिनों में होंगे। हालांकि दोस्तों तो आप जो दबाव में भी सही फैसला अवश्य ले पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों को इन 7 दिनों में सब कुछ बढ़िया होने वाला है। शर्त यह है कि कुछ सावधानी रखें है, अन्यथा दोस्तों के किराए पर पानी फिर जाएगा आएगा आएगा। और वह सावधानियां क्या है हम वीडियो में ही बताने वाले हैं। ने सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि आखिर अगले 7 दिनों में मैं आपके जीवन में स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ेगा सितारों का। तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों को बिल्कुल ध्यान रखना है ना। अगर कुछ जांच करवानी पड़े तो करवा ले। आपको अपने स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आसपास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होने लगेगी, लेकिन दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य के लिए इन सभी चीजों को आप सिर्फ चेतावनी समझे या दोस्तों कुछ भी समझे अच्छी बात है। अपने खाने आने तथा जीवन शैली में ही मैं आपको बहुत कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अगर आप इस समय पर्याप्त सावधानी रखेंगे। आने वाले अगले घंटों में मैं अपनी वाणी को विनम्र रखिए, क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति है वह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं।
वे मीन राशि यानी हनी अपनी खुद की राशि में प्रवेश जमा चुके। ऐसे में युवाओं को जो कारोबार और नौकरी की तलाश में सफलता था बहुत अच्छे मिलने वाली है, जो अपने कैरियर को शुरू ही करने वाले हैं, ऐसे युवा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ दिखाने वाले हैं और अपना काम और कब और अगर दोनों जमा लेंगे। लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यह संकेत भगवान की ओर से ही बन रहा है कि हाँ आपको सतर्क करे पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ आता पिता से काफी समय से लड़ाई झगड़ा था, जिन लोगों का था वहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। एक आएगा खुद पर ज्यादा ध्यान आप देंगे और अच्छा खासा खर्च भी कर सकते हैं। अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा यही वाणी अगर खराब हो गई तो आपके काम बिगड़ जाता ही सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी किसी एक कोडोट सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती। कोयल को कंट्री आया तो उसका रूटीन लिया और मोर गुरु दिया तो उसका कंटेंट छीन लिया। हो सकता है आप सदैव मीठा बोलते हो, लेकिन कभी आपके मुख से एक ऐसा शब्द निकल जाएगा या तो जो आपकी बनी बनाई इज्जत पर पानी फेर देव बनाने में तो सालों लगते हैं, लेकिन कब आने में एक पल ही काफी है। उसे एक पल में आप सावधान रहिएगा। आगे वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपको पूरे समय से बचा कर रखे कि देखिए जिंदगी में हमारे अंदर किसी भी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके ऊपर छिपकली गिर गई, अब मन से विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कोई बुरा होगा। वह एक सामान्य सा जानवर है, वह आपके ऊपर गिर गया या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन में अगर नकारात्मक विचार आया या तो मन ही मन इतना ज्यादा परेशान होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड उसे सच कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। वीडियो के अंत में हम उपाय बता देंगे ताकि आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या का छुटकारा अब देखने को डोट मिलेगा, और अगर आपने ट्रांसफर की अर्जी दी थी तो वह मंजूर तो हो सकती है, लेकिन वह स्थान आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपकी रुचि थी जिसमें आप प्राप्त करना चाहते थे। अगर आप दिल की बात कहने में हिचकते हैं और खुलकर नहीं बोलते हैं तो प्रेमी भी दुविधा में फंस सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, और समय रहते अगर आप अपनी शर्म को अलविदा कहकर अगर आपने दिल गुर्दों को नहीं खोला तो आपकी बाजी को लेकर जा सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से शानदार होगा, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और आप कोई बात मन में ना रखें, कह दीजिए। मन में रखने वाला इंसान हमेशा घुटन में जी, लेकिन बिंदास अपनी हर बात कहने वाला इंसान बेखौफ होकर बिंदास जीता है। खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है, वहाँ पर आपके ऊपर टेंशन आएगा अतिरिक्त तनाव आ जाएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। इसी के साथ साथ शरीर में आलस्य रहने के कारण अपने कार्यों को आप सही तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कहाँ है बहुत मन लगा करके आपको अपने कामों को करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दो उपाय आए, और यह दोनों ही उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे समस्याओं को सुलझाने में और आपकी जिंदगी को सकारात्मक बनाने में। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है आया, हमने आपको बताया था कि आपके शरीर पर मान लीजिए छिपकली गिर जाती है, आपको सपने में बिल दिखाई देती है, यसे तरह तरह के बुरे संकेत मान लीजिए कि आपके साथ होते होते और आपके मन में डर बस
गया है तो आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़े बहुत काले तेल डालने हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।